आप आपको डिस्कस करने वाला हूँ 14x22 का प्लान होम डिजाइन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्मॉल हाउस प्लान है, बहुत ही कम जगह में बेहतरीन से मॉडल मैंने डिजाइन किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने डिजाइन किया। आप देख पा रहे होंगे इस मॉडल को, इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और इसका सेकेंड फ्लोर, तो फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। इसका डिजाइन मैंने बताया है, ये मैंने कुछ डिजाइन बनाया है, ये आपको मैं पूरा डिस्कस करूंगा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। सबसे पहले मैं हमेशा की तरीके से आपको इसका ट्रांसपेरेंट व्यू दिखा देता हूं। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं इसको ना थोड़ा, तो आप देखिएगा बेहतरीन सा मॉडल ये आपका दिखने वाला है ऊपर से और सामने जैसा दिखेगा, साइड से ऐसा, और इसका टॉप व्यू अगर देखें तो आप ऐसा दिखने वाला है। तो इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देते हैं और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने भाई स्मॉल हाउस प्लान नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मैं आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देखते रहें। और अगर आपको दोस्तों और भी मॉडल चाहिए, अगर आप इसका साइज चाहिए, तो आप smallhouseplan.com की वेबसाइट है, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो हम लोग इसका ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे क्या मैंने बताया है, तो ग्राउंड फ्लोर फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, मेन डोर है और इसके ऊपर वेंटिलेशन के लिए आपको मैंने विंडो दिया है और ये डिजाइनिंग है इसको केवल दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। और ये भी वेंटिलेशन के लिए मैंने एक दे दिया है विंडो। तो चलो इसको हम जूम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसे मेन डोर से एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है अपना बाथरूम और ये आपको मिल जाती है स्टेयर्स। स्टेयर्स के जस्ट नीचे आपको लेटरिंग मिलेगा दोस्तों, आप इसको सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं लेटरिंग और बाथरूम, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके बाद आप जैसे सामने एंटर करते हैं तो ये आपको एक बेडरूम मिलता है बेहतरीन सा, और उसी बेडरूम में छोटा 4.5x8 फीट का मैंने ये किचन निकाल दिया है ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे। और इस बेडरूम का जो विंडो दिया है मैंने, डोर दिया है, वो साइड से दिया है ना कि यहाँ से दिया है। तो ये डोर यहाँ से मैंने दिया है क्योंकि फिर अगर मैं डोर यहाँ से देता तो आप विंडो यहाँ नहीं एडजस्ट कर पाते। तो यहाँ से आप क्या विंडोज की थ्रू आपका वेंटिलेशन के लिए बेहतरीन से यहाँ हवा जाता रहेगा और ये डोर आपका साइड से रहेगा, आप यहाँ पर एंटर करके अपने बेडरूम में जा सकते हैं। और ये आपका किचन हो गया, ये आपका बाथरूम हो गया, ये आपका लेटरिन हो गया, ये पूरा डिस्कस किया मैंने ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पर आप काफी सोफा वोफा जो भी चाहे अपना, आप गाड़ी पार्क करें कुछ भी करें, आपको फील्ड मिलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये 14x22 का प्लान था, बहुत ही छोटा प्लान है दोस्तों। ये लगभग मैंने ये टोटल आपका 10 फीट लंबाई में बेडरूम बना है और ये आपका लगभग 10x10 का रूम निकल आएगा, बाद बाकी किचन, और लगभग 10 फीट ये होगा इसमें कि 6 फीट का जीना होता है दोस्तों, 3 फीट इधर 6 फीट में आपका जीना बन जाता है। और उसी के नीचे आपका लेटरिन एडजस्ट है और जो आपका बचा लगभग 6 फीट तो ये निकल गया, 10 बोलेंगे 16 ये हो गया, आपका बचता है लगभग 6 फीट। तो ये आपका वही 5 फीट कुछ दीवारें हो जाती, तो 5 फीट का लगभग आपका बाथरूम हो जाएगा, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, और लंबाई यहाँ पर लगभग आपकी 8 फीट हो जाती है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था। अब हम आपको डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर आपको मैं दिखा दूं, सबसे पहले फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, ये आपका बड़ा सा विंडो मैंने दिया, ये सिर्फ डिजाइनिंग है दोस्तों। और आप जैसे आप जीने से ना ऊपर एंटर करते हैं, आप यहाँ पर आएंगे तो सेम टू सेम पीछे वाला बेडरूम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो किचन वाला एरिया था वो हटा दिया मैंने और आपको बेडरूम एक डिजाइन करके दे दिया है। ये लगभग 10x13 फीट का आपका बड़ा सा बेडरूम होगा और आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो 10 फीट ये निकल गया, 6 ये निकल गया, तो 16 फीट निकल गया, 22 में बचता है आपके पास 6 फीट। तो वही 6 फीट में दीवारें भी है, लगभग 5 फीट एरिया बचेगा, तो मैंने वही 2 फीट लगभग, 2 से 2.5 फीट का अगर आप बाहर छज्जा निकाल लेते हैं, बालकनी निकाल दे, तो 7-7.5 फीट का आपका ये बड़ा सा बेडरूम निकल आएगा 7x13 का, क्योंकि जगह कम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रूम छोटे आपको लग रहे होंगे तो जगह ही कम है ना, 22 फीट आपके पास मात्र चौड़ाई लंबाई है, तो उसी में आपका लगभग अगर 2 फीट आप बाहर निकाल लेते तब भी आपका 7 फीट का एक बेडरूम बड़ा से निकल आता है। यहाँ पे डिपेंड है अगर बेडरूम में चाहते हैं क्या चाहते हैं, या आप ओपन एरिया भी छोड़ सकते हैं। ये पूरा था इसका ग्राउंड दोस्तों फर्स्ट फ्लोर। और ये डिजाइनिंग आप देख सकते हो, कलर कर सकते हो, ये पूरा फ्रंट आपको दिखेगा। मेन में मैंने बड़ा सा विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, आप आसानी से यहाँ पर हवा पास होगी, और इस रूम के लिए भी एक विंडो मैंने दे रखा है। और इसका अगर हम टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला फ्लोर डिस्कस करें तो यहाँ पर कुछ खास नहीं, सिर्फ बालकनी की मैंने सीढ़ियों को स्टेयर्स को ढक दिया है और इस पे स्टाइलिश सीढ़ी लगा दी है जो आप देख सकते हो एंगल वाला।
तो ये पूरा मॉडल था 14x22 का। अगर आपका भी कोई प्लान है, आप भी चाहते हैं कि हम आपका होम डिजाइन करें, तो मुझे कमेंट करके बताएं मुझे आपको कितने बाई कितने का मॉडल चाहिए। मैं पॉसिबिलिटी होगी आपका जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, मैं सभी का डिस्कस नहीं कर पाता हूं, एक किसी ना किसी का मैं जरूर डिस्कस करता हूं हर एक वीडियो में। तो ये जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला 14x22 सर डिस्कस करें, तो उन्हीं के कहने पर मैंने डिजाइन ये की है। ये बेहतरीन सा डिजाइन है और आप इसको जरूर से जरूर दोस्तों इसको बनवा सकते हैं, से आइडिया ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हेल्प इन हिंदी नाम का एक हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी और दोस्तों मेरा एक न्यूटेक नाम का स्मॉल हाउस प्लान .com का जो पेज भी चलता है फेसबुक पेज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप उसको भी फॉलो करें। थैंक्स।